मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है और आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके पास आया हूँ। मित्रों, जैसे कल हमने चर्चा की थी कि यूएन काउंसिल में कल पाकिस्तान का एक स्पीच हुआ था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ओसामा बिन लादेन हैं उनको मार दिया गया है, लेकिन गुजरात दंगों के आरोपी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने आपत्तिजनक बात कही, तो इससे पूरे देश में एक नाराज़गी का माहौल है। और आज बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किए और आज उन्होंने मांग की कांग्रेस से कि पाकिस्तान एम्बेसी में गए और उन्होंने बिलावल भुट्टो के जो पुतला था उसे जलाया। तो देश भर में आज बीजेपी ने अपना रोष व्यक्त किया और बीजेपी ने सरकार ने भी अपनी तरफ से, जैसे सरकार के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने अपना रोष व्यक्त किया और अपना किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह अपशब्द कहने पर आपत्ति जताई। तो ये हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हो रही कि किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज मित्रों, आपको याद हो कि राहुल गांधी ने कल जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि चीन की सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है। अब देखिए, आपकी हमारी सेना है, जो वीडियो आपने देखा कैसे वो पाकिस्तान की जो चीन है, चीनी सेना की कुटाई कर रहे हैं और उनको डंडे मार मार के भगा रहे हैं, और राहुल गांधी की जबान फिसल जाती है, जो उनकी पप्पू की छवि है वो उस छवि से बाहर नहीं आ पा रहे। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जगह जगह जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है वहाँ वो ऐसी गंद मचा दे रहे हैं कि उनकी सारी यात्रा विफल हो जा रही है। और अब उन्होंने जयपुर में आके कह दिया कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं। तो आप बोलते समय तो ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, और वो पूरा सोशल मीडिया पे चला। तो आज बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब एक सांसद हैं, एक नेता मात्र हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन्होंने खड़गे से डिमांड की है कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी का जो चीन प्रेम है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि राहुल बार बार जो चीन जाते रहते हैं वहाँ वो जो चूँकि चीन के प्रति उनका एक लगाव है, तो इसलिए वो चीन की बात कर रहे हैं और साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे हमारी सेना उनकी पिटाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि चीनी सेना भारतीयों की पिटाई कर रही है। ये बड़ा शर्मनाक है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चीनी घुसपैठ पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है सरकार। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दों पर इस तरह की बातें हल्की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंत्र संदेश जाता है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो जो 2002 के दंगा पीड़ित है और उसके साथ बलात्कार हुआ था, और बिल्किस बानो के जो फैमिली मेंबर है उनको भी मारा गया था, तो उसके बाद 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और चूंकि ये लोग जो 11 लोग थे वो 2011 से जेल में बंद थे, तो उनकी चूंकि 2022 हो गए हैं, तो लगभग वो आप सोचे कि 20-21 साल से जेल में बंद थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और उन्हें रिहा कर दिया। तो उसके बाद राज्य सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार को ये अधिकार होता है, तो राज्य सरकार ने उनको रिहा कर दिया। उसके बाद लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ लोग गए और कुछ जो बिल्किस बानो थी वो भी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के खिलाफ चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का भी है और राज्य सरकार का भी है, तो जो ये पुनरीक्षण याचिका दर्ज हुई थी उसको सुनते हुए न्यायाधीश ने अपने कक्ष में इसका निर्णय सुनाया, और कक्ष में विचार करने के बाद याचिका
13 दिसंबर को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष आई थी। शीर्ष अदालत ने सहायक पंजीयक द्वारा बानों की वकील शोभा गुप्ता को भेजे गए संदेश में कहा कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए निर्देश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका 13 दिसंबर 2022 को समाप्त यानी खारिज कर दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना ही नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि इस लायक नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ये डिसीजन था और राज्य सरकार की भी, क्योंकि 21 साल कोई जेल में रह गया और उसका अगर स्वभाव ठीक है, उसका व्यवहार ठीक है, तो फिर सरकार उसमें निर्णय लेती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना की बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हालिया गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जिस बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के कार्यक्रम के दौरान संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी के बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने सरकार पर एलएसी पर चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को कम करके आंकने का आरोप लगाया था। और तो इसलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना की जो बहादुरी है उसकी चर्चा होनी चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ सख्ती हुई है तो कुछ नरमी हुई है। तीन गड़बड़ियां अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए, तो 2 करोड़ के फर्जीवाड़े पर केस दर्ज। जीएसटी ने 3 तरह की गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसमें किसी भी अधिकारी के काम में बाधा डालने, सबूतों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने और जानकारी देने में विफल रहना शामिल है। जीएसटी कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू किए जाने के लिए आर्थिक संलिप्तता की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसमें फर्जी रसीद जारी करने का अपराध शामिल नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज ही 48वीं बैठक में इसके साथ ही कई और निर्णय लिए गए। हालांकि समय भाव के कारण गुटखा और तंबाकू पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। बैठक के लिए कुल 15 मामले रखे गए थे, जिसमें से 8 पर ही चर्चा हो पाई। किसी भी वस्तु पर जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि दलहन, छिलका, चुन्नी, चूरी और खांड पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसी तरह से पेट्रोल के मिश्रण के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले मिथाइल अल्कोहल पर भी जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर किया गया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि कंपाउंडिंग राशि को घटाकर 25 से 100% कर दिया गया है। यह राशि उस समय 50 से 150% दिखी थी। एसयूवी पर 22% उपकर परिषद ने एसयूवी जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वाहनों पर 22% मुआवजा उपकर लगाने का फैसला किया गया, यानी जितना जो 28% उन पे पहले से जीएसटी है उस पर 28% के अलावा 22% और उपकर लगेगा। और इसका जो उन्होंने कहा है कि जो एसयूवी की को परिभाषित करने के लिए मापदंड तैयार करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एसयूवी के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 22% मुआवजा उपकर की उच्च दर सभी 4 शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहन पर लागू होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एसयूवी कहते हैं। इसमें इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक होनी चाहिए, 4000 मिमी से अधिक होना चाहिए, यानी इसकी जो लंबाई है 4000 मिलीमीटर होना चाहिए, और 150 मिलीमीटर या उससे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। तो सीतारमण ने कहा कि एसयूवी पर चर्चा हुई और जब कुछ राज्यों ने पूछा कि सेडान को एसयूवी की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेम पर 28% जीएसटी
ये बड़ा फैसला था, कई दिनों से इशू चल रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग को कानूनी दर्जा दें या ना दें। तो आज सरकार ने परोक्ष रूप से ऑनलाइन गेमिंग को अनुमति दे दी है, यानी अगर उस पर GST लगा दिया तो वो फिर आधिकारिक हो जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBI के प्रमुख विवेक जौहरी ने कहा है कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम में दाव की समूची राशि की 28% की दर से GST लगेगा। हालांकि ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर GST परिषद की बैठक में चर्चा नहीं पाई, लेकिन जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दाव पर लगाई गई रकम पर ही 28% की दर से कर लगाने का के राय विभाग की है। उनकी यह टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की कर चोरी का मामला अब भी अदालत के विचाराधीन है। GST अधिसूचना महानिदेशालय ने गत सितंबर में गेम क्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपए का GST कर भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया था। मित्रों, कल ही आपने देखा कि बिहार में 54 लोग सारण जिले में नकली शराब से, जहरीली शराब पीने से मरे थे, और आज दो और जिलों में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सारण जिले में जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद अब सिवान से सटे जिले में 6 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। अपुष्ट खबरों ने दावा किया है कि देसी शराब से मरने वालों की संख्या जो सारण जिले में वो 60 हो गई है, और 30 लोगों की अभी जो पुष्टि तो 30 लोगों की हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे 60 लोग मारे जा चुके। और इसमें नीतीश कुमार कह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कि शराब से मरने वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके परिवार वालों को। तो 2016 में शराबबंदी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग चोरी छुपे और नकली शराब पी रहे हैं। शामली बिजनौर में स्थापित होगी PSC की नई बटालियन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शामली और बिजनौर जिलों में प्रादेशिक सशस्त्र बल PAC की नई बटालियन स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 और 4 महिला बटालियनों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। PAC की स्थापना दिवस पर 35वीं वाहिनी PAC में आयोजित समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित की जाने वाली 3 महिला बटालियनों में से प्रत्येक के लिए 1,262 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कानून व्यवस्था के लिए। और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं कि भाजपा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका। ये जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में कई और राज्यों में जगह जगह पुतला फूंका है। और जो शाहरुख खान की फिल्म पठान आई है, उसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें जो भगवा रंग पहनाया हुआ है हीरोइन को, और तमाम, और उस पर विवाद हो रहा है। जैसे इसमें एक भाजपा के सांसद थे और वो चले गए, तो अभी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो उदित राज, उन्होंने कहा कि सब लोग भगवा कपड़े पहने, कच्छे बनियान बराबर भगवा पहने, तो बड़ी आपत्तिजनक बात इन्होंने की है। PM चीन के विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को चीन को लेकर संसद में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अभी संसद का विंटर सेशन चल रहा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चूंकि ये मामला सेंसिटिव होता है, विदेशी मामला और देश की नीति से संबंधित होता है और सुरक्षा से संबंधित होता है, तो कुछ विषयों पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती है, नहीं तो फिर उसमें विवाद होते हैं। चिराग ने CM नीतीश से पूछा है कि जो पिलाएगा वह क्या ऐश करेगा। मतलब कल नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पिएगा उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आज चिराग ने तंज कसा है बेसिकली, कि जो पिलाएगा, जो पिला रहे हैं वो क्या ऐश करेगा क्या।
वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दास की पीठ ने सरिता S. नायर की याचिका को ठुकरा दिया है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2009 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। कुछ लोगों को काम नहीं होता तो सर ऐसी याचिका दर्ज करते रहते हैं, इन पे भी मोटा जुर्माना छोड़ना चाहिए, ठोकना चाहिए। जस्टिस श्री कृष्ण का कहना है कि पत्रकार के पास जज की तरह स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्होंने मुंबई के प्रेस क्लब में स्थापित पत्रकारिता उत्कृष्टता समारोह में रेड इंक पुरस्कार वितरण के बाद कार्यक्रम में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारों को स्वतंत्र होना चाहिए, और एक न्यायाधीश का और दूसरा पत्रकार का, दो लोगों का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। पीएम त्रिपुरा जा रहे हैं और मेघालय में वे 6800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा करेंगे और वहां नई परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। मित्रों, इसके अलावा जो विलुप्त भाषाएं हैं, विलुप्त प्राय भाषाएं, उनको बचाने की पहल कैसे करनी है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर की ऐसी देशज भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा दशक की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने शुक्रवार को कहा कि इन देशों को भाषाओं को बचाना केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई देशज भाषा विलुप्त होती है तो उसके साथ उसके से जुड़ी संस्कृति और परंपरा भी विलुप्त हो जाती है। इस वक्त जो दुनिया भर में मोटा मोटी तौर पर 4000 से अधिक देशज लोग और लगभग 6700 देशज भाषा हैं, यानी जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी संख्या 4000 है जो रेस है, और उनको बोली जो लोग बोली बोलते हैं वो 6700 है। तो इनको बचाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी पहल की है। तालिबान शासकों ने रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है पाकिस्तान। कल तालिबान ने पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया था, तो आप जो कह रहे हैं कि वो नए सिरे से उन पर विचार कर सकता है। गृह मंत्री कलकत्ता में हैं और उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की भी है, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस होती है वो राज्यों की होती है और जो केंद्र सरकार की तरफ से होती है वो एक तो आर्मी होती है, लेकिन उससे आगे कहीं BSF है, कहीं ITBP है, तो वो सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन उसको जो बैकअप देते हैं वो स्थानीय पुलिस देती है, और स्थानीय पुलिसों की जो नाक कान होते हैं वो पब्लिक होती है, पब्लिक उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। पत्रकारों के निलंबित अकाउंट बहाल किए गए हैं। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका के अरबपति और ट्विटर के मालिक मस्क ने कहा कि अमेरिका के प्रमुख समाचार संस्थानों पत्रकारों के निलंबित अकाउंटों को बहाल कर दिया गया है। तो इस तरह से 2014 के बाद पूरी तरह पंगु हो गया है ASI। जो संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने आरोप का खंडन किया और कहा जो हमारा पुरातत्व तो विभाग है वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग कि उसका जो ASI है वो पंगु हो गया है, और बाबरी मस्जिद के जो नीचे राम मंदिर के अवशेष पहले से देखने का दावा करने वाले पुरातत्व के मोहम्मद ने एक किताब में कहा है कि पंगु हो गया क्योंकि इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। फ्रांस से खिताब छीनने के लिए उतरेगा अर्जेंटीना। आपको पता है कि कल रविवार को फीफा वर्ल्ड कप का समापन होगा और फाइनल मैच फ्रांस और जर्मनी अर्जेंटीना के बीच खेला जा रहा है। फ्रांस इस समय मौजूदा चैंपियन है और अर्जेंटीना बड़े जोश और खरोश के साथ मेसी की टीम है। कल वो बहुत मजबूती से चुनाव ये फुटबॉल मैच खेलेंगे और कल बहुत ही एक्साइटिंग होगा, सब लोगों को देखना चाहिए कौन जीतेगा। तो दोनों ही टीम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी टीमें हैं, और ये टीमें इनका जीते कोई भी, लेकिन इसमें
जो आनंद आएगा मैच देखने का वो कमाल का होगा। जाकर ने जमाया शतक भारत जीत की ओर। भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे और बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 150 रन बनाए थे। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 258 रन बना के पारी घोषित कर दी थी। और अब ऐसा लगता है क्योंकि बांग्लादेश अब तक 6 विकेट पर 272 रन बना पाई है, तो इसका मतलब यह है कि अभी भारत अभी भी 241 रन आगे है और अभी भारत को जीतने के लिए 4 विकेट की जरूरत है, तो ये मुझे लगता है कल हो जाना चाहिए। तो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश हार जाएगा। तो मित्रों इस तरह से आज इतनी ही खबरें हैं, कल हम आपसे और भी खबरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आपके पास तर्क हो, कोई आपके पास कमेंट हो, कोई क्वारी हो, तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपके हर जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा और इस कार्यक्रम को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।